अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो रेसिपी आपके साथ मैं शेयर करूंगी वो है चिकन करेले। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ करेंगे। चिकन लिया है 1/2 kg मैंने, सब्ज़ मिर्च ली है 3 से 4 अदद, प्याज ली है 3 अदद बड़े साइज़ की, टमाटर मैं फ्रीज किए हुए यूज़ कर रही हूँ जिन्हें मैंने चॉप कर लिया है, आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। करेले लिए थे 1 kg जिन्हें मैंने फ्राई कर लिया है। अदरक का पेस्ट लिया है 1 teaspoon, लहसुन का पेस्ट लिया है 1 teaspoon, नमक लिया है 1 teaspoon, सूखा धनिया लिया है 1 teaspoon, लाल मिर्च ली है 1 teaspoon, गरम मसाला लिया है 1 teaspoon। 1 कप तेल मैंने डाल के गरम कर लिया था, तो अब इसमें ऐड कर देते हैं प्याज। प्याज को हम लाइट सा ब्राउन कर लेंगे। प्याज ब्राउन हो चुकी है, अब ऐड कर देते हैं चिकन। प्याज जो हमने आधी डाली थी आधी हमने रख ली थी, वो बाद में ऐड करेंगे। चिकन के साथ ऐड कर देते हैं नमक। चिकन को हम ब्राउन कर लेंगे अच्छी तरह तकरीबन 4 से 5 मिनट, और उसके बाद ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। चिकन ब्राउन हो गया है तो आप ऐड कर देते हैं अदरक और लहसुन का पेस्ट। 2 मिनट हम अदरक और लहसुन के पेस्ट के साथ इसको अच्छी तरह भून लेंगे। और प्याज को आपने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, जो प्याज ब्राउन किया था हमने, बाकी जो है वो चिकन के साथ अच्छी तरह ब्राउन हो चुका है। अच्छी तरह अदरक लहसुन का पेस्ट भी भून चुका है। अब हम डाल देते हैं मसाले। अच्छी तरह मिक्स कर लें। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है, तो अब हम ऐड कर देते हैं टमाटर का पेस्ट। आप फ्रेश टमाटर भी डाल सकते हैं। अब हीट आपने बढ़ा देनी है और 2 मिनट लगेंगे पानी टमाटर का खुश्क होने में, फिर हम ऐड कर देंगे इसके अंदर करेले। टमाटर का पानी अच्छी तरह खुश्क हो चुका है, अब मैं डालूंगी इसमें प्याज। सब्ज़ मिर्च इसके साथ ही डाल देंगे करेले। अच्छी तरह आप मिक्स कर लें। अब 5 से 10 मिनट के लिए हम इसे कवर करके रख देंगे। करेले चिकन तैयार हो चुके हैं, अब हम कर लेते हैं बंद। कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी? अगर अच्छी लगी तो इसे ट्राई करें, इंजॉय करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। खुदा हाफिज़।